हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ड्राइवर आई है। उस ड्राइवर के अंदर कस्टमर का कंसर्न है अंडर बॉडी नॉइज। तो अंडर बॉडी नॉइज को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने इसको गाड़ी को रन किया। गाड़ी को रन करने पर देखते हैं नॉइज कैसे क्रिएट होता है उसके अंदर। गाड़ी के अंदर नॉइज आ रहा है। आपको बताएंगे भी आप गाड़ी के फ्रंट साइड की नॉइस है जो स्टेयरिंग के अंदर आती है वो कैसी नॉइस होती है और उसको आप किस तरह डायग्नोज कर पाएंगे, किस तरह फाइंड आउट कर पाएंगे। जब हम गाड़ी को 15 से 20 की स्पीड पे रखेंगे तो आपको वो जो नॉइस है स्टेयरिंग की वो साफ सुनाई देगी। स्टीयरिंग कॉलम है उसको अगर हाथ लगा के चेक करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन फील होगा हमको। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर यूनिवर्सल जॉइंट का जो रॉड है उस पर जब आप हाथ लगाएंगे गाड़ी चलाते टाइम तो आपको वहां पे वाइब्रेशन फील होगा। तो इससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर स्टीयरिंग रैक का ही इशू है। ये जो मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ इसको टच करना है आपको जब आप गाड़ी रन कर रहे हैं। ये हमने पुरानी रैक है जिस गाड़ी में से निकाली थी और ये अपनी जिस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुई है जो न्यू रैक है। इसके लगाने के बाद हमारी जो कंसर्न था नॉइस का फ्रंट साइड का वो रिजोल्व हो गया था। ये नई रैक लगा दी थी हमने, ये पुरानी रैक। हाँ तो दोस्तों, हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है न्यू स्टीयरिंग। तो हम इसका रोड टेस्ट लेके एक बार चेक करेंगे। वैसे मैंने चेक कर लिया है और इसका नॉइज क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक बार वापस से रोड टेस्ट लेके आपको दिखा देता हूँ। नॉइज इसका प्रॉब्लम है रिजॉल्व वगैरह, कोई वाइब्रेशन नहीं है। हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो फॉल्टी इसमें था, स्टीयरिंग रैक निकला था, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ड्राइवर का कंसर्न था तो हमने ड्राइवर के कंसर्न को कैसे रिजोल्व किया है, ऐसे आप भी स्टीयरिंग रैक से रिलेटिव जितनी भी नॉइज है आप फाउंड कर सकते हो। कि हमने छोटी सी कोशिश की है आपको ये चीज बताने के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।